सकते हैं, मैंने माइक्रो कूलिंग के लिए पानी ले लिया है। अब मैं इसमें मैक्रोनी ऐड करूँगी। देख सकते हैं मैंने इसमें मैक्रोनी ऐड कर दिए। अब मैं इसको नमक ऐड करके चूल्हे पर रख लूँगी बॉईल करने के लिए। ऑयल ऐड करूँगी ताकि ये खिली खिली रहे, तकरीबन छोटा 1 से 1.5 चम्मच। उठा के चूल्हे पर रख दूँगी। अब इसको बॉईल होने देते हैं, फिर इसका पानी छान लेंगे जब तक ये बॉईल नहीं हो जाती, जब तक वेट करते हैं। देख सकते हैं मैंने माइक्रोनी का पानी निकाल लिया है, माइक्रोनी बॉयल हो चुकी है। अब थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड कर दूँगी ताकि ये आपस में मिल ना जाए।
पे जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें मैंने एक प्याज ली है, दो टमाटर लिए हैं, दो हरी मिर्च लिए हैं, दो गाजर लिए, एक बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च ली है। इसको मैंने सबको काट लिया है, शिमला मिर्च, गाजर और हरी मिर्च। टमाटर को मैंने बारीक बारीक काटा है, प्याज को भी मैंने बारीक बारीक ही काटा है। मैक्रोनी बनाना स्टार्ट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं मैक्रोनी बनाती हूँ। मैंने प्याज ऐड कर दी, इसको मैं लाइट ब्राउन कर लूँगी। लाइट ब्राउन होने तक इसको मैं पकाऊंगी। अब देख सकते हैं प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है। मैं ऐड करने लगी हूँ टमाटर, शिमला मिर्च और गाजर। इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। सारी सब्जी, टमाटर, शिमला मिर्च वगैरह सब फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी गार्निश चिली सॉस 2 चम्मच के करीब, जिंजर मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच के करीब, सोया सॉस मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच के करीब। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। काट के हरी मिर्च ऐड कर दी थी, अब इसमें थोड़ी सी मैं पुदीनी मिर्च ऐड करूँगी, छोटा वाला 1/2 चम्मच समझ लें, और 1/2 चम्मच छोटा वाला 1/2 चम्मच इसमें मैं तकरीबन 4 मसाला ऐड करूँगी बारीक पिसा हुआ, और 1/2 चम्मच मैं इसमें 4 मसाला ऐड करूँगी साबुत पिसा हुआ, साबुत चाट मसाला। मतलब अच्छे से भून लूँगी मसाले को। बस हम इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि सब्जियाँ भी अच्छे से गल जाए और मसाला लगे। गार्लिक केचप ऐड करूँगी, चिली गार्लिक। मैंने ये पाउच वाला लिया है बैग पाउडर का। 2 चम्मच में इसमें चिकन पाउडर ऐड कर दूँगी। नमक मैंने इसमें स्किप कर दिया है क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक होता है, वरना फिर नमक ज़्यादा हो जाता है। फिर हम इसमें मैक्रोनी ऐड कर देंगे, उसके बाद ऊपर से धनिया डालेंगे। मसाला अच्छे से भुन चुका है, अपने इसमें मैक्रोनी ऐड कर दूँगी। मैंने ऐड कर दी, अपने इसको अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी मसाले में। मिक्स कर लिए, 2 मिनट और पकाया है, अब मैंने फ्लेम बंद कर दिया। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। तो मैक्रोनी हमारी तैयार है, ऊपर से हम इसमें बारीक धनिया काट के डाल देंगे, धनिया बारीक बारीक काट कर डाल देंगे।